प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं। ये जो है कई दिनों से आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं लगातार जो है क्रिश्चियंस को परेशान करते आ रहे हैं, परसिक्यूट करते आ रहे हैं। अब तक आपने देखा होगा कि जितने भी गुंडे हैं या फिर जितने भी जो ऐसे लोग हैं जिनको क्रिश्चियनिटी से नफरत है, वो हमेशा जो है क्रिश्चियंस को परेशान करते थे। लेकिन आजकल कुछ पुलिस वाले भी जो है ना, जो लोकल गुंडों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, वो भी चर्चेस में घुसकर जो है अपना क्या कहते हैं, मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि अपना हिम्मत दिखाते हैं और हियाव दिखाते हैं, मैं ये कहूँगा कि उतना कायरता दिखाते हैं कि उनको पता नहीं लॉ क्या है। अब मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा कि ऐसे लोग जो हैं पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे आ जाते हैं। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट में आने से पहले मेरा मानना ये है पुलिस डिपार्टमेंट में आने से पहले लोग जो है लॉ को अच्छे से पढ़ते हैं। अब देखिए, एक वीडियो क्लिप मैंने देखा, वो वीडियो क्लिप में है, ये देखिए, ये पुलिस वाला जो है बरेली में, आज का है शायद से, बरेली में जो है, उत्तर प्रदेश बरेली में एक लोकल पॉलिटिकल लीडर के साथ धर्म परिवर्तन का दोष लगाते हुए चलते हुए आराधना को रोका। और देखिए उनका ज्ञान सुनिए। अब मैं उनके फोटो में तो देख रहा हूँ ये 1 स्टार या 2 स्टार लग रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि ऐसे लोग भी जो ऐसे बात कर रहे हैं। मुझे पता नहीं इसका ऑडियो कैसे आएगा, लेकिन आप देख लीजिए, 1 मिनट का वीडियो है। जो एक बड़े से बड़े नेता मंत्री जो प्रवचन देते हैं, सतपाल महाराज का जो हरिद्वार में बहुत बड़ा आश्रम है, हमारे यहाँ गाजियाबाद में ब्रादलैंड देने के लिए उनके प्रवचन चलते हैं, उनका सत्संग होता है, वो भी गवर्नमेंट से अनुमति लेते हैं, उनकी भी बाकायदा वो भी अनुमति लेते हैं, बिना अनुमति के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान उस टाइप का जो आप बोल रहे हो ये प्रार्थना होती है, ऐसी नहीं चलती है। आप अनुमति लीजिए, अनुमति लेने के बाद में गवर्नमेंट आपको अनुमति देती है इस कार्य की, तो आप ये कार्य करिए। बिना अनुमति के, बिना कार्य के यदि यहाँ पे आदमी को ऑब्जेक्शन है तो ये कार्य नहीं चलेगा। आप सुनिए, यहाँ पर ये भाई साहब जो हैं पुलिस वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं रिस्पेक्ट से बात करूँगा, क्योंकि अगर कोई ये जो दूसरे दल वाले या फिर कोई ऐसे यू नो जो हिंदुत्ववादी के भूत सवार है कुछ लोगों के सर पे, अगर ऐसे लोग होते तो उनको जो है मैं अलग से जवाब देता। पुलिस वाले तो रिस्पेक्ट से, मैं पुलिस वालों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है पहले ऐसे कोई प्रार्थना घर में जाकर हल्ला गुल्ला मचाने का अधिकार जो है लॉ उनको नहीं है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो सही नहीं है, तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर, एक वीडियो है ब्रदर बीबू के साथ, वो बाय एजुकेशन लॉयर हैं और वो लॉयर लॉ के साथ जो है एक्सप्लेन करते हैं। आप जाकर हमारे YouTube चैनल में देख सकते हैं, फेस टू फेस विद फ्रांसिस, वो प्रोग्राम में कोई भी ग्रुप अगर 4 लोग मिलकर एक जगह पर इकट्ठा होकर अगर वो प्रार्थना करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, इसके लिए उनको अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 से 6 लोग साथ में बैठकर वो अपने मनपसंद भगवान का नाम ले रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों को नहीं पता है जो कानून नहीं जानते हैं। और रही बात संस्था की, संस्था, ये पुलिस वाले ने बहुत सही कहा कि संस्था जो है गवर्नमेंट के परमिशन से ही बननी चाहिए, रजिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट के अथॉरिटी से होने चाहिए, इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन चलने वाले प्रार्थना में घुसकर लोगों को ऐसा हैरास करना जो है ये बिल्कुल गलत है, और ये बहुत ही कम एक्सपेक्टेड होता है कि ऐसे अधिकारी लोग जो पुलिस वाले हैं वो ऐसे काम को करें। क्योंकि चलो मान लिया कोई गुंडे लोग हैं, नफरत करते हैं मसीहों से, क्रिश्चियन बोलते हैं उनको, जब पता नहीं उनके अंदर क्या गुस्सा आ जाता है, चलो उनका तो अलग बात है, उनको तो हम लीगली बात करेंगे, लेकिन जो लीगल चीज़ों को फॉलो करने वाले पुलिस वाले लोग हैं, जब ये ऐसे चर्चेस के अंदर घुसकर ऐसे काम करते हैं, तब हैरानी हो जाती है कि चलिए हमारा कानून कहाँ जा रहा है, हमारा भारत कहाँ जा रहा है, ये सोचकर हैरानी है। अभी तो कुछ लोगों को ये आश्वासन दिया जा सकता है क्रिश्चियंस को कि अगर आपको कोई परेशान करता है तो जाइए पुलिस वालों के पास। पुलिस वाले जो हैं न्यूट्रल होते हैं, वो ना हिंदू धर्म का सपोर्ट करेंगे ना क्रिश्चियन धर्म का सपोर्ट करेंगे, वो न्याय का सपोर्ट करेंगे, वो कानून का सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखने मिल रहा है कि लोकल गुंडों के साथ उनके बातों को सुनकर जब पुलिस वाले आकर वहाँ पर चलते हुए आराधना को अगर रोक रहे हैं, चलते हुए प्रार्थना को रोक रहे हैं, तो ये जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। और इतना ही साथ साथ ये जो पुलिस वाले जो आपने वीडियो में देखा, वो सीधा सीधा जो है लोगों का हक छीनने का धमकी दे रहे हैं। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये महाराज वहाँ पर प्रार्थना सभा चलाते हैं, वो सभा चलाते हैं। भाई ये सही बात है, सॉरी भाई नहीं ना सर,
रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर सर, ये सही बात है, अगर कोई पब्लिक प्लेस में कोई प्रोग्राम कंडक्ट करना है एज पर लॉ उनको परमिशन लेना है, लेकिन आप जिस जगह पे खड़े हो तो चार दीवार है, वो चार दीवार किसी ने बांधा है, आकर बैठ कर वो प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द को संभालेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून के हिसाब से आप इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। और जो झूठा आरोप है धर्म परिवर्तन का, धर्म परिवर्तन के बारे में जो है मैंने ऑलरेडी क्लियरली बोला है, देखिए तो इनका जो है जुर्माना, डीजे, अब ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। अगर कोई कानून पास हुआ है तो कानून पास कीजिए और कानून में बताइए, लॉ में बताइए कि क्यों क्रिश्चियंस लोग जो हैं चार पांच लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते। ये कहाँ का कानून है? क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन में है या कोई बाय लॉज है या फिर कोई क्लॉजेज है इसमें कि लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते? अगर ऐसा है तो कहीं पर भी अगले दिन कोई चार हिंदू लोग एक साथ हारमोनियम लेके बैठेंगे, क्या उनको भी जाकर रोकेंगे? कोई मुसलमान अगर कहीं देख लो रेलवे स्टेशन में चले जाओ या कहीं चले जाओ, चार मुसलमान जो है एक साथ बैठकर वो नमाज पढ़ते हैं, क्या उनको भी रोकेंगे आप लोग? नहीं रोकेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है ऐसे लोगों का जो है बात नहीं चलता है। सबसे ज़्यादा परेशान किए जाने वाला ग्रुप और कुछ ज़्यादा बोलते नहीं वो ग्रुप जो है क्रिश्चियंस हैं, तो उन्हीं को हैरेस करेंगे। तो जितने भी ऐसे हैरेस करने वाले लोग हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई हिंदुत्ववादी का ग्रुप वाला हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग जितना चाहे कोशिश कीजिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो अधिकार देता है। अब तक मैं बहुत फील करता था कि चलिए मैं सबको कहूंगी कि पुलिस वालों से सपोर्ट लीजिए, लेकिन अगर इस प्रकार का पुलिस का बिहेवियर है तो लोग सोचेंगे भी कि हम पुलिस के पास भी क्यों जाए। ये तो एक पूरी तरह सा जो है ऑटोक्रेटिक कंट्री बनते जा रहा है। ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी अलग होती है, ये ऑटोक्रेसी कह सकते हो या फिर थियोक्रेसी बना रहे हैं कि हम जो है हिंदुत्ववादी वाले जो भी करेंगे उसके लिए कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, लेकिन क्रिश्चियन अगर शांति से घर पर बैठ के प्रार्थना भी कर रहे हैं वहां पर आपत्ति आ जाती है। घर पर बैठकर वो किसका बुरा कर रहे हैं? घर पे बैठकर किसके अगेंस्ट बात करें? घर पे बैठकर वो चार दीवारों के अंदर अपने आशा के बारे में, अपने चाहत चहिते परमेश्वर के बारे में वचन को पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्रिश्चियंस को मैं यही कहूंगा, चाहे ऐसे परसिक्यूशन आए या ना आए, आप लगातार सुसमाचार बांटते रहिए और आप लगातार बैठकर प्रार्थना करते रहिए। ये कानूनंद अपराध नहीं है, जी हाँ मैं कह रहा हूँ ये कानूनंद अपराध नहीं है। इसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर फेस टू फेस विद फ्रांसिस ये प्रोग्राम में जो है ब्रदर बीबू जो लॉयर हैं बाय एजुकेशन, उन्होंने लॉ के साथ इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आपको अलग से किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप चर्च बांध रहे हैं तो चर्च बांधने के लिए परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई संस्था बना रहे हैं संस्था के लिए परमिशन की ज़रूरत है। अगर आप कोई पब्लिक प्लेस में मीटिंग चलाने जा रहे हैं तो आपको ज़रूरत है। लेकिन अगर मेरे ही खुद के घर में या फिर मेरा ही खुद का प्रेमाइसिस है, वहाँ पर प्रेमाइसिस में 10 लोग बैठकर प्रार्थना करना ये कानून के खिलाफ नहीं है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, वो लोग कानून के विरोध हैं और वो लोग जो हैं इंडिविजुअल राइट, जो राइट टू रिलीजन है, उसके अगेंस्ट में हैं। तो बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि निश्चिंत रहिए, अब बिल्कुल निडर रहिए, प्रार्थना को चलाते रहिए। और जो चर्च है जहां पर ऐसा इंटरप्शन हुआ है, एक बात मुझे अच्छा लगा कि इतना डिसेंटली उस पुलिस ने बात किया। अभी रिकॉर्डिंग तो बीच में बंद हो गई, आगे क्या हुआ, आगे कितनी गालियाँ गलौज हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा पुलिस वालों से, आप लोग कम से कम लॉ को अच्छी तरीके से पढ़कर जानकर आप जाकर उनसे बातें कीजिए। क्योंकि मुझे भी कुछ पुलिस वाले मिले थे, मेरे खिलाफ भी कंप्लेंट किया गया था। जब मैं एक जगह पे सड़क पे प्रचार कर रहा था तो एक व्यक्ति ने जाकर पुलिस को कंप्लेंट कर दिया, 100 नंबर पर कॉल लगाकर बोला कि देखो वो सड़क पे खड़ा रहकर एक है खड़े होकर यहाँ पर इस लोकेशन पे धर्म भावना को भड़काने वाला प्रचार कर रहा है। तो एक पुलिस वाला आया, मुझे पकड़ा और लेकर गया। बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई, आपने यूट्यूब पे वो वीडियो तो देखा ही होगा, पूरा स्टोरी तो मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन अभी सुन लीजिए। तो वहाँ पर गाड़ी पे जब मैं गया और जब मैंने उनसे बात किया तो पुलिस वाले सीधा सीधा एक ही बात बोलने लगे कि आप में तो कोई गलती दिख नहीं रही है, लेकिन कंप्लेंट आया तो हमको काम करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला कंप्लेंट क्या है साहब बताइए, तो उन्होंने बताया उनके स्क्रीन में धर्म भावना को भड़काने वाला। तो मैंने उनको अपने हाथ का पर्ची दे दिया, मैं बोला इसको पढ़ के देखिए इसमें कहाँ जो है धर्म को भड़काने वाली बात है, आप मेरा स्पीकर में आप गाना सुन लीजिए, कहाँ धर्म को भड़काने
वाली बात है, हम अपने विश्वास को खुला प्रचार करेंगे, वो किसी के कहने पर हम नहीं रोकने वाले, हम खुला जाके प्रचार करेंगे। और प्रचार करते समय अगर आप रोकेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ तो आपके हाथ में, कानून आपके हाथ में, राइट। हम कुछ नहीं कर सकते, हम खाली कानून को याद दिला सकते हैं, हम कह सकते हैं कि देखो सर ये कानून है। लेकिन अगर आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर, पॉलिटिशियन के इन्फ्लुएंस में आकर अगर आप क्रिश्चियन को परेशान कर रहे हैं, तो इतना याद रखिए कि आपको इतिहास नहीं पता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता है, आपको लॉ पता नहीं है। जिस क्रिश्चियन को आप हैरास कर रहे हैं, अगर वो क्रिश्चियन आज नहीं होता, हमारा इंडिया आज मॉडर्नाइज नहीं होता। अगर वो क्रिश्चियन नहीं होता, आपके खुद के सेविंग्स बैंक के अकाउंट नहीं होते। अगर क्रिश्चियन मिशनरी नहीं होते, तो आप ट्रेन में ट्रैवल नहीं करते। अगर क्रिश्चियन नहीं होते, आप कॉफ़ी नहीं पी सकते, मिर्ची नहीं खा सकते। कितना पता है आपको इतिहास के बारे में क्रिश्चियन को परेशान करने से पहले। तो मैं उन लोगों से सब यही से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ लॉ को पालन करने वाले, स्पेशली पुलिस वाले, उनसे तो बढ़िया मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ आप किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइए, क्योंकि आप एक होप है पूरे कंट्री के लिए। आप एक ऐसे डिपार्टमेंट है, आपसे सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लॉ के हिसाब से चलेंगे, लेकिन आप उस लॉ को और उस कानून को अंधा बनाकर, उस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर ऐसे माइनॉरिटीज़ को परेशान मत कीजिए। अगर आप माइनॉरिटीज़ को परेशान कर रहे हैं, कल के दिन पता नहीं जो दबी हुई माइनॉरिटी है, वो अपने अपने पेन को तो कहीं बता नहीं सकते, लेकिन कल पता नहीं कि वो माइनॉरिटी कहीं ऐसा ना फील करे कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर हमको, हम पर हुकुम चलाया जा रहा है। जैसे शरीयत के बारे में कुछ लोग बात करते हैं, शरीयत में यही होता ना कि हुकुम चलाया जाएगा। तो कल के दिन अगर वो माइनॉरिटी के अंदर ये सोच आ गया कि हमारे ऊपर हुकूमत चलाई जा रही है, उस दिन भारत का जो सुंदरता है डेमोक्रेसी वाला, सेक्युलर स्टेट वाला, वो सब का सब जो है ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सारे भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अब चिंता मत कीजिए, ज़रूर लीगल चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कीजिए। देखिए आज आपकी, आपके चर्च की और हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी की कमज़ोरी यही है कि हम कानून को नहीं जानते, हम लॉ को नहीं जानते। तो मैं मोटिवेट करूंगा, आप लॉ को स्टडी कीजिए, कानून को स्टडी कीजिए, क्योंकि कानून और लॉ जो है आपके खिलाफ नहीं है। और मैं वापस से सल्यूट करता हूं उस कॉन्स्टिट्यूशन को और जिस जिन कमिटी ने वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल डाली है, उन सबको मैं सलाम करता हूं, क्योंकि वो एक हमारा बुनियाद है। और उस बुनियाद को ख़त्म करने के लिए कोई भी कोशिश करे, वो कोशिश असफल होगी, ये मेरा विश्वास है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने लोकल चर्च में अपने अपने बिलीवर्स को जो है लॉ जैसी चीज़ें जो है सिखाइए। और वापस से हमारे यूट्यूब चैनल पर फेस टू फेस विद फ्रांसिस ब्रदर बीबू वाला इंटरव्यू ज़रूर देखिए। पहला 40 मिनट तक हमने लॉ रिलेटेड पहले 40 मिनट के बाद हमने लॉ के रिलेटेड बहुत सारे बातें की हैं कि कभी कोई आकर ऐसा परेशान करता है तो क्या करना है। सो प्लीज़ कीप गोइंग, डरिए मत। और इतना याद रखिए, ये कुछ नया नहीं है। पहली ईस्वी से, जब से यीशु मसीह सेवा कर रहे हैं, तब से हमको दबाया जा रहा है। रोम एक ऐसा शहर था जहाँ पर क्रिश्चियंस को सड़कों पर जलाया जाता था और स्ट्रीट लाइट में उनके ऊपर कपड़े बांधकर तेल डालकर उनको जलाया जाता था। तभी भी फर्स्ट सेंचुरी में जब क्रिश्चियन हैंडफुल थे, थोड़े थे, तभी क्रिश्चियनिटी ख़त्म नहीं हुई। तो क्या लगता है ये सारे लोगों को जो मसीह को नफरत करते हैं, क्रिश्चियंस को नफरत करते हैं, उनको लगता है कि इतना परसिक्यूशन सहने के बाद चमड़े उधाड़ दिए गए, गले काट दिए गए, अब उतना सहकर, इतना आगे आने के बाद, भारत देश का इतना कल्याण करने के बाद, अब इनको लगता है कि क्रिश्चियंस जो है ऐसे करने पर, एंटी कन्वर्जन लॉ डालने पर वो शांत हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप इतना याद रखिए, क्रिश्चियंस आर वर्शिपिंग द रियल गॉड, हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। और वो सच्चा परमेश्वर जो है अपने कौम को, अपने कम्युनिटी को कभी भी डूबने नहीं देगा, ये इतिहास गवाह है। तो जितने लोग इसके खिलाफ आए थे वो मिट गए हैं, लेकिन ये क्रिश्चियन कौम जो है, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, वो भी कभी ख़त्म नहीं हुए। तो जो लोग नफरत करते हैं हमसे, क्रिश्चियन मिशनरी का इंडिया में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो स्टडी कर आइए और लॉ को स्टडी कर आइए, फिर परेशान कीजिए क्रिश्चियंस को। तो रिक्वेस्ट करूँगा मेरे भाई बहनों से, डरिएगा मत। और साथ साथ में फेसबुक में बैठकर सिर्फ गुड जॉब, गॉड ब्लेस यू करने के बजाय एक्शन कीजिए। एक्शन क्या होगा आपका, कि लॉ को स्टडी कीजिए, अपने लोकल चर्च को स्ट्रेंथन कीजिए, ताकि कल के दिन ऐसे कोई आकर आपसे बात किए, अगर मैं उस जगह पे होता, मैं उस समय में होता, जिस प्रकार वो पुलिस वहां पर परेशान कर रहे थे, मैं उनके सामने लॉ कोट करता था, उनके सामने मैं नंबर बोलता था कि सर ये सेक्शन है, वो है, आप क्यों हमको परेशान कर रहे हैं, अगर ये सब गलत है तो मेरा हाथ आगे लीजिए और लेकर जाइए जेल में। तो आज क्रिश्चियंस स्टडी करना शुरू कीजिए, बस कीजिए, बहुत हो गया। आशीष बरसात चंगाई। नाउ कानून को सीखिए कि क्रिश्चियन क्या है भारत देश के लिए। बस ये वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से किसी को मोटिवेशन मिल सकती है और उनको चर्च में मदद हो सकता है। और सोचिए मत इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। मैं तो इस बात को लेकर बिल्कुल नहीं डरूंगा, क्योंकि जब संविधान साथ है, कानून साथ है, सबसे बड़ा
दुनिया को बनाने वाला खुदा साथ है तो कौन क्या कर लेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करें।